बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब कांड के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान गोपालगंज के मोहम्मदपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मोहम्मदपुर शराब कांड के मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो कैसे मोहम्मदपुर में और आसपास के गांव में शराब बिक रही थी। इस शराब के पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके ही परिजनों पर मुकदमा कर उन्हें फंसाया जा रहा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और इसके लिए नीतीश सरकार जिम्मेवार है। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिया वही दोषी है। भाई आप बताइए कि ये शराब आई कहाँ से, पहले उन दोषियों पे आप कार्रवाई कीजिएगा कि उम्र भर सिर्फ जो बेगुनाह हैं उन्हीं को आप दोष देते रहिएगा। पहली बार तो आपने शराबबंदी कानून आपने लागू करवाया, उसको धरातल पर तो उतारिए। जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जहरीली शराब यहाँ पर मिल रही है, घर पे होम डिलीवरी लोग बोलता है कि भाई अब तो शराब की होने लग गई है, तो इसकी रोकथाम करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन की है ना जी। आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक किसी ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी लापरवाही की वजह से जहरीली शराब या अवैध शराब यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद आप दोषी करार दे देते उन्हीं लोगों को जिनके यहाँ इस तरीके की घटना घटी है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमाने वाला सदस्य, उनको देखने वाला कौन है, कौन इन बच्चों को आगे देखेगा, कौन इनके घर को देखेगा, बूढ़े लोग हैं, कोई तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगे आगे की। सर आपकी रणनीति क्या? भाई हम लोग मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दें। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।